और गोल्डन शिकायत फुली टैक्सेबल होती है, इसलिए 50 लाख की टैक्सेबल फुली टैक्सेबल कॉलम में आ गई। टोटल इनकम इसकी बन गई 78,20,000, जिसमें से हमने इस ज़कात को माइनस कर दिया तो ये 78,05,000 रुपीज हो गई। इस पर वो टैक्स देगा तो 70 लाख का टैक्स बनेगा 14,22,000 और बाकी 8,05,000 पे 2,41,500 ये टोटल बन गया 1,66,500 रुपए टैक्स बच गया। इसका अल्टरनेट तरीका भी है, वो ये होता है कि हमें इस साल भी ये देखें कि 2016 से पहले इसकी 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है टैक्स का और इनकम का। वो हमने देखा कि इसने हमारे पास 4 साल है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लास्ट 3 ईयर्स देखेंगे 15, 14 और 13 का। हमने देखा कि इसकी 2015 में 17 लाख इनकम है और 1,22,000 टैक्स दिया है, 2014 में इसने 15 लाख इनकम है, इसने 92,000 टैक्स दिया है और 2013 में 12 लाख इनकम है और उसने 59,000 टैक्स दिया है। हम क्या कहेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एवरेज निकाल दिया तो 3 साल की इनकम आई है इसकी 42 लाख और 3 साल की 42 लाख जो इनकम आई है इसमें 3 साल का टैक्स आया है, वो आया है 2,73,000। हमने इसका एवरेज निकाला, टैक्स को ऊपर रखा, टैक्सेबल इनकम 3 साल के टैक्स को ऊपर रखा और 3 साल की इनकम को नीचे रख दिया तो हमारा एवरेज आ गया 0.065, ये 3 साल की इनकम और टैक्स का एवरेज है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दूसरे स्टाइल में। अब देखें हमने यहाँ किया कि इसकी इन इनकम्स पे बेसिक सैलरी डीए और एचआर हाउसमेंट अलाउंस को हमने टोटल किया, क्लब किया तो 28,20,000 आई, उसमें से हमने ज़कात को माइनस किया तो 2,28,05,000 रुपये इसकी इनकम आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, इस इनकम पर टैक्स को कैलकुलेट किया, जो कि टैक्स आया इसका 3,20,500। अब आपका सवाल है कि गोल्डन शेक हैंड को हमने टैक्स नहीं किया, उसको छोड़ दिया पर इनको हमने इन पर टैक्स लगा दिया, इनको जमा कर दिया और गोल्डन शेक हैंड पे जो हमने टैक्स किया उस पर जो रेट लगाया वो रेट लगाया जो हमने एवरेज रेट लगाया था 3 साल जो निकाला था उसको हमने इस पर लगा दिया तो 50 लाख पे 0.065 के रेट से जब हमने निकाला टैक्स जो निकाला वो निकला वहाँ फिर क्या 50 लाख के ऊपर 0.065 के हिसाब से 3,25,000। तो गोल्डन शेक हैंड पे अलग से टैक्स किया हमने, इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कह दिया हमने, इसका टैक्स अलग निकाला और इसको हमने जो हमारी हाउस रेंट था डियरनेस था हाउस अलग है बेसिक सैलरी थी उस पर टैक्स अलग करा तो 2 टैक्स आ गए हमारे, एक टैक्स हमारा ये आ गया और एक हमारा टैक्स ये आ गया, इन दोनों को जमा किया तो इसका टैक्स आ रहा है 6,45,000। ये टैक्स देगा अगर हम इसे ना करते और इसको गोल्डन शिकेंड को इनकम के अंदर अपनी ऐड कर लेते, इसको क्लब कर लेते तो हमारी इनकम 78,20,000 रहती और हमें टैक्स जो था वो कितना ज़्यादा देना पड़ता। ये एक ऑल्टरनेट तरीका है कि आप नॉर्मल सैलरी को वैसे ही करें सब करते हैं और गोल्डन शेक हैंड के लिए आप लास्ट 3 ईयर्स का डेटा लीजिए इनकम का और टैक्स का एवरेज निकालिए उस रेट से गोल्डन शेक हैंड को मल्टीप्लाई कीजिए फिर जो टैक्स निकलेगा वो टैक्स और जो आपने टैक्स निकाला है डियरनेस अलाउंस सैलरी बेसिक सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस में जो अपने और जो इसकी इनकम है उसमें जो टैक्स निकाला है उन दोनों टैक्स को जोड़ दीजिए या गवर्नमेंट को देंगे। थैंक यू।